गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। गुरु ने तीन योग बताए, कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। अब कर्म योग तो उसके लिए है जिसको संसार अच्छा लगता है, जिसको संसार में प्रियता है, कुछ करना चाहता है। ज्ञान योग विरक्त के लिए है बिल्कुल, और भक्ति योग किसके लिए है, जिसे ज्ञान भी अच्छा लगता है संसार भी अच्छा लगता है, उसके लिए भक्ति योग है। मतलब भगवान भी अच्छे लगते हैं और संसार भी ठीक है, उसके लिए भक्ति, ऐसा भागवत जी में लिखा हुआ है। अब गृहस्थ में रहते हुए हमें कौन सा योग प्रिय है, तो गुरु कहते हैं कि गृहस्थ में ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कोई कर्म ना करें, क्योंकि भगवान ने कहा कि कोई भी प्राणी क्षण मात्र भी बिना कर्म के रह नहीं सकता, कुछ तो करेगा ही। तो सभी को कर्म है, पर अब वही कर्म अगर हम भगवान को अर्पण कर देते हैं या भगवत अर्पण बुद्धि से करते हैं जैसे गीता जी में लिखा है, तो वही कर्म आप वही कर्म अपने लिए करें और वही भगवत अर्पण बुद्धि से करें, भगवान आपके लिए कर रहे हैं और बदले में कुछ नहीं चाहिए, सेवा हो रही है। आज चौथे अध्याय पढ़ भी रहे थे कि जिसके सभी कर्म संकल्प और कामना से रहित है, उसका कोई संकल्प भी नहीं है और कोई कामना भी नहीं है, तो वो मुझे ही प्राप्त होता है, उसे कुछ नहीं चाहिए। तो ये कर्म योग भी इतना आसान नहीं है, कर्म योग भी हो और साथ में भक्ति योग भी हो, भी सेवा भी हो रही है और भगवान से भी जुड़ा हुआ है, तो इजी हो जाता है। और ज्ञान योग थोड़ा अलग है, ज्ञान योग में तो ये है जैसे भी था उसमें चौथे अध्याय में था कि वो सब कुछ ब्रह्म समझता है। जैसे हम रोटी बना रहे हैं तो चकला भी ब्रह्म, बेलन भी ब्रह्म, बनाने वाला भी ब्रह्म और खाने वाला भी ब्रह्म और रोटी भी ब्रह्म, सब ब्रह्म। तो उसको फल क्या मिलता है, उसको फल ब्रह्म ही मिलता है, सब कुछ ब्रह्म हो गया। तो इसी ऐसा भाव हर समय बनाए रहना, क्योंकि एक अभ्यास हमने पकड़ लिया और वही अभ्यास रिपीटेडली करना चाहिए। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत सिल पे पड़त निशान। हमने कभी ये अभ्यास किया, कभी वो किया, कभी ये किया, कभी वो किया, वो क्या, तुम्हारा कोई भी अभ्यास नहीं होगा, मतलब होंगे तो पर पक्का कोई भी नहीं होगा, और जब तक पक्का नहीं होगा तो हम अंत समय में हमें याद नहीं आएगा। एक अभ्यास पकड़कर उसको रगड़ देना चाहिए, समझना सब चाहिए, क्योंकि समझेंगे नहीं तो कैसे करेंगे, समझना सब चाहिए। पर एक एक ग्रंथ, एक मंत्र, एक इष्ट, एक गुरु, एक नाम, आप उसमें लग जाइए तो वो सब कर दे, करा देता है। करिश्नी में था शायद, वो थे ना नीम करौली बाबा जिनका हम लोगों गए थे आश्रम, तो बोले कि कोई भी उनके पास जाता था तो कहता था ये वो पढ़ दूंगी उनका चरित्र, तो वो कहते थे बस राम नाम लो, बोले कलयुग में यही तुम्हें तार देगा। अब ये है नाम निष्ठा के सात मुख्य भाव। अब नाम निष्ठा क्या है भाई, आप नाम ले रहे हैं, अगर आप नाम ले रहे हैं वो पूरा आपका भगवान से प्रेम है, और अगर सेवा आ गई सेवा भी कर रहे हैं, सेवा किस भाव से कर रहे हैं कि भगवान आपके लिए हो रही है। तो आपने दो साधन पकड़ लिए, एक तो हम नाम लेते हैं और एक हम जो सेवा सामने आ जाती है बिना कामना और संकल्प के सब कर्म हो रहे हैं हमारे। भगवान नाम की अमोघ शक्ति है, उसके द्वारा बहुत ही शीघ्र मनुष्य कल्याण को प्राप्त कर सकता है। नाम परायणता में नाम में विश्वास, नाम में आदर बुद्धि, नाम में प्रेम, निष्काम भाव, नाम अर्थ चिंतन, निरंतरता और गोपनीयता,
ये सात भाव मुख्य हैं। इन भावों से युक्त होकर नाम आश्रय करने वाले पुरुष को नाम के चमत्कारपूर्ण प्रभाव का शीघ्र दर्शन होता है। जैसे ये कहा कि भाई नाम से मुक्त हो जाते हैं, तो हमें विश्वास होना चाहिए कि हम नाम से मुक्त हो जाएंगे। ये हमारे अंदर एक दृढ़ता होनी चाहिए कि हम जो नाम ले रहे हैं ये मुझे मुक्त कर देगा। ये दृढ़ता और विश्वास होना चाहिए। कोई कुछ भी कहे पर आपको दृढ़ता है। सात बातें बताई, उसमें पहली बात है किसी भी अन्य साधन का तिरस्कार न करते हुए नाम में दृढ़ और अनन्य विश्वास होना चाहिए। विश्वास पहला साधन क्या है? विश्वास। किसी साधन का तिरस्कार नहीं कर रहे पर अपने साधन में विश्वास है। नाम से ही सब कुछ हो सकता है और हो जाएगा। नाम की जितनी जो कुछ महिमा शास्त्रों और संतों में गाई है वह सारी सत्य है, ऐसा विश्वास होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि नाम में आदर बनती होनी चाहिए। पहला है कि नाम में विश्वास होना चाहिए कि नाम से हम पार हो जाएंगे। नाम में वैसी आदर बुद्धि होनी चाहिए जैसी भक्ति भगवान में होती है। आदर भाव से करें, जैसे हम लोग करते हैं ना, नाम कर रहे हैं बात भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। नाम कर रहे हैं तो आदर बुद्धि से करें। संस्कार सेवित अभ्यास ही स्थिर हुआ करता है। नाम साक्षात भगवान का स्वरूप है। इस प्रकार नाम के स्वरूप और प्रभाव को जानकर अत्यंत मनोयोग और श्रद्धा के साथ जो नाम जप होता है वही आदर बुद्धि मानी जाती है। नाम साक्षात भगवान का स्वरूप है। इस प्रकार नाम के स्वरूप और प्रभाव को जानकर अत्यंत मनोयोग और श्रद्धा के साथ नाम जप होता है वही आदर बुद्धि मानी जाती है। यद्यपि नाम की स्वाभाविक शक्ति ऐसी है कि तिरस्कार अवहेलना और असम्मान के साथ निकला हुआ नाम भी पापों का नाश करता है। कैसे भी आप नाम लें पापों का नाश तो करता ही है, और नाम भगवान से प्रेम भी कराता है। जैसे किसी प्रकार स्पर्श हो जाने पर अग्नि ईंधन जला देती है, तथापि आदर युक्त नाम जप की बड़ी महिमा है। कह रहे हैं आग जो है कैसे भी छुआ हाथ तो जलाएगी, ऐसी नाम कैसे भी लो आपका पाप तो जलाएगा ही, पर आदर बुद्धि से लो तो आपका भगवान से प्रेम करा दे। मेनली हमें क्या चाहिए? भगवान से प्रेम करा दे। भगवान से प्रेम के से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। नाम में प्रेम होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, प्रेम का फल आनंद है। जिस वस्तु या व्यक्ति में हमारा अनुराग या प्रेम होता है उसकी स्मृति आते ही चित्त आनंद से प्रफुल्लित हो जाता है। उसका नाम सुनने अथवा लिए जाने पर चित्त सागर में आनंद की तरंगें उठने लगती हैं। इसी प्रकार नाम में प्रेम होने पर एक एक नाम उच्चारण में साधक को ऐसा अनुपम रस होता है कि वह उसी में तन्मय हो जाता है। मेन बात है रस आना चाहिए। रस नहीं आ रहा अभी, नाम में रस नहीं आ रहा इसलिए उसमें इतनी निष्ठा नहीं होती है। भाई हम लोगों को पूरी सब्जी क्यों अच्छी लगती है? रस आता है। कड़ी चावल क्यों अच्छे लगे? रस आता है। छोले चावल क्यों अच्छे लगते हैं? राजमा चावल, रस आता है। नाम में भी रस नहीं आता। नाम में रस क्यों नहीं आता? आदर बुद्धि नहीं है, विश्वास नहीं है, तन्मयता नहीं है। तो जब नाम में रस आने लगे तो समझो कि अब तो काम हो गया, अब काम हो रहा है। मेन इसमें रस है। फिर नाम छोड़कर क्षण भर भी वह रह नहीं सकता। तदीय स्मरणे परम व्याकुलता। मतलब कह रहे हैं जब उसको रस आने लगा फिर उससे नाम नहीं छूटेगा। कुछ लोग तुमने देखा होगा हर समय उनका मुंह चलता रहता है, नाम लेते ही रहते हैं, लेते ही रहते हैं। उन्हें रस आ गया, पिछले जन्म का अभ्यास है, तभी तो ले रहे हैं इतना ज्यादा। और जैसे ही नाम मिला एकदम लपक लिया उन्होंने, निष्ठा हो गई उनकी। फिर चौथा पॉइंट है नाम में निष्काम भाव होना चाहिए। जिसको नाम के स्वरूप प्रभाव महत्व
और रहस्य का पता है, वह नाम जप करके नाम के अतिरिक्त और क्या चाहेगा। जिसको नाम में निष्काम, हम लोग कहते हैं हमारा ये प्रॉब्लम आ गई, अब मैं 16 माला तो मैं करता ही हूँ, मैं 10 माला और कर लूँ, 16 और कर लूँगा, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो कह रहे नाम में निष्काम भाव होना चाहिए कि मेरा वो जो हमने 16 माला और करी, 16 माला नियम की तो हमने करी, पर 16 माला हमने इसलिए करी, वो तो हमने निष्काम भाव से करी कि भाई इसकी ये प्रॉब्लम, जैसे मानो हमारे कोई बहुत प्रिय सत्संगी है, उसको कोरोना हो गया, अब हम भी परेशान हैं, वो भी परेशान है, हम सोचते हैं भैया ये बहुत प्रेम से लगा था तो ये मुक्त हो जाए, तो हमने उसके लिए करा, तो है तो वो भी निष्काम भावी, पर हमको यूज़ नहीं करना है नाम को इनके कहने से, या हमने अपने किसी रिश्तेदार के लिए करा कि भैया ठीक हो जाए, या अपने लिए किया कि हमारा हम रोग मुक्त हो जाए। तो कह रहे नाम को बेचो मत, नाम सिर्फ भगवान के प्रेम के लिए यूज़ करो। जैसे एक संत जो थे, तो उनका दांत में बहुत तकलीफ थी, तो उनका दांत जब निकल आया दांत, पहले तो लोग तो ऐसे ना, तब डेंटिस्ट होते हैं, पहले तो ऐसे ही आता था, वो दांत उखाड़ने वाले जो आते हैं वो घर में ही आ जाते थे संतों के पास, वो उखाड़ के चले जाते थे। तो उनका जैसे ही उसने दांत उखाड़ा, उसने कहा श्री राधे, तो उन्होंने बहुत गुस्सा हुए, तुमने भगवान का नाम क्यों लिया दांत उखाड़ने में, क्यों लिया, मतलब उनका कि संसार की चीज़ के लिए भगवान का नाम नहीं लेना है। तो ठीक हो गया ना, अब उनको उनका ठीक से हो गया। अब कह रहे हैं नाम के बदले जो और कुछ चाहता है उसने तो नाम का कोई महत्व जाना ही नहीं। नाम के बदले में संसार के सुख भोग चाहना, अमृत के बदले विष चाहना है, और स्वर्ग आदि चाहना बहुमूल्य रतन देकर बदले में पत्थर चाहना है। नाम जप फल नाम निष्ठा ही होनी चाहिए। नाम जप का फल क्या होना चाहिए, मेरी नाम में निष्ठा और बढ़ती जाए और प्रेम बढ़ता जाए। पांचवा पॉइंट, भगवान के नाम में और नामी में अभेद है। भगवान की भांति ही नाम भी चिन्मय है, इस बात को याद रखते हुए नाम स्मरण करना नाम के अर्थ चिंतन करना है। मतलब भगवान नाम और नामी अभेद है, नाम और नामी अभेद दोनों एक है। तो कह रहे ऐसा स्मरण करना नाम के अर्थ का चिंतन करना, मतलब भगवान का नाम ले रहा हूँ तो उसमें भगवान ही समाये हुए। जैसे हमने कहा स्वाति, तो स्वाति है ना ये, हमने कहा श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण मतलब श्री कृष्ण। पर हम ऐसे थोड़े ना जपते हैं कि उसमें साक्षात भगवान है। तो कहने नाम और नामी अभेद है, एक ही है, उनमें कोई फर्क नहीं है। मैं जो भगवान का नाम जप कर रहा हूँ सो भगवान का ही स्पर्श कर रहा हूँ। कह रहे मैं जो नाम जप कर रहा हूँ भगवान का ही स्पर्श कर रहा हूँ, इस प्रकार की निश्चित अनुभूति प्रत्येक नाम उच्चारण के साथ साथ होती रहनी चाहिए। ये भगवान का स्पर्श कर रहा हूँ, उन्हें छू रहा हूँ। जब तक अनुभूति ना हो तब तक ऐसी भावना करनी चाहिए कि भगवान का स्पर्श कर रहा हूँ। छठा पॉइंट, नाम जप तेल धारावत लगातार होता रहना चाहिए। संसार के सारे काम नाम स्मरण करते हुए ही हो। कहने नाम जो है तेल धारावत होना चाहिए, भगवान का नाम लेते हुए ही सारे काम। नाम स्मरण को जहां तक हो कृपण के धन और जार के प्रेम की भांति छिपा कर रखना चाहिए। इसी में उसकी मर्यादा है और इसी में उसकी सुरक्षा है। हम लोग तो माला, खाली माला लेकर ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो
झोली के बिना तो माला कभी नहीं करनी चाहिए, झोली के बिना माला कभी नहीं करनी चाहिए। आप अपने अकेले लेटे हैं बिस्तर में और वो बात अलग है, पर सबके सामने कभी माला नहीं करनी चाहिए और दिखाना नहीं चाहिए उसको कि हम माला कर रहे हैं। कह रहे हैं छिपा के रखना चाहिए अपना प्रेम। इसका ये अर्थ नहीं कि जो इन भावों का नाम जप ना कर सकते हो वे नाम जप ही ना करें। किसी भी भाव से नाम जप करना उत्तम है, कामना से, क्रोध से, भय से, लोभ से, हंसी से, और सबको सुन सुना कर भी यदि नाम जप किया जाए तो भी न करने की अपेक्षा बहुत उत्तम। कह रहे कैसे भी करो नाम जप करो, कह रहे अगर ऐसे करो तो बेस्ट है जो 5-6 बातें बताई, और अगर वैसे नहीं किया जा रहा तो कैसे भी करो, भय से करो, चिंता से करो, हंसी से करो, लोभ से करो, कैसे भी करो, तो कह रहे करो। उससे भी पापों का नाश होकर अंत में नाम निष्ठा का लाभ तथा भगवत प्राप्ति हो जाती है। कह रहे आप कैसे भी नाम करो तो धीरे धीरे नाम में निष्ठा हो जाती है और भगवत प्राप्ति हो जाती है। बाहु को बाहु अनक अलसउ नाम जपत मंगल दिशी दसउ। कुछ भी ना हो तो जीभ से लगातार नाम की रट लगती रहनी चाहिए। इसमें दृष्टांत भी दे रखा है नाम की अलौकिक शक्ति। नारद जी बैकुंठ में विष्णु जी के पास गए और कहा कि आपके नाम की क्या महिमा है। तो उन्होंने कहा देखो एक मृत्यु लोक में जाओ, एक कीड़ा है उससे जाके मेरा नाम लेना। तो जैसे ही नारद जी ने नाम लिया कीड़ा मर गया। तो बोले वो तो विष्णु जी के पास जाके वो तो मर गया कीड़ा। बोले अच्छा जाओ वहाँ पर तितली बैठी होगी उससे उसके पास जाके मेरा नाम लेना। तो उसके पास जाके नाम लिया तो तितली मर गई। तो उन्होंने कहा अरे आपका नाम लेता हूँ तो तारने वाला है तो लोग मर जाते हैं। बोले कोई बात नहीं तो मेरा चमत्कार देखो। फिर वो बोले अच्छा जाओ तुम्हें हिरण का एक शावक मिलेगा। तो उसके पास गए डरते डरते, उसके सामने भगवान का नाम लिया तो वो भी मर गया। कही क्या हो रहा है। अगर कोई बात नहीं डरो मत, तुम जाओ गाय का बछड़ा मिलेगा तुम्हें। तो गाय का बछड़ा बहुत छोटा सा प्यारा सा, उसके सामने जाके उन्होंने नाम लिया नारद जी ने तो वो भी मर गया। अब वो डर गए नारद जी, बोले क्या हो रहा है जिसके सामने आपका नाम लेता हूँ वो मर जाता है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब काशी नरेश क्या है राजकुमार का जन्म हुआ है उसके पास जाओ उसके कान में नाम लेना। बोले अगर उसको कुछ हो गया तो लोग मुझे मारेंगे। बोले कुछ नहीं होगा तुम जाओ। तो जाते हैं उसके कान में, भगवान विष्णु का नाम लेते हैं तो बोलता है आप पहचाने नहीं मैं कौन हूँ। बोले तुम कैसे बोल रहे हो, तुम तो इतने छोटे हो अभी पैदा हुए। बोले मैं वही कीड़ा हूँ, आपने पहले नाम लिया तो मैं तितली बना, फिर तितली से मैं हिरण का शावक बना, हिरण के शावक से मैं गाय का बछड़ा बना, और फिर अब मैं राजकुमार बन गया। तो नाम से ये दिखाया है कि उत्तरोत्तर कैसा भी व्यक्ति हो अगर वो नाम लेता रहता है तो उसकी उन्नति होती जाती है। मेन ये दिखाया है कि नाम निरंतर लेने से उन्नति होती चली जाती है। हमारे स्वभाव संस्कार, हमारे राग द्वेष, हमारा अहंकार, हमारी द्वैत बुद्धि, ये सारी बातें हमारे अंदर होती हैं, सब धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे एक व्यक्ति को मैं जानती हूँ, उसको उसके जीवन में बड़ा दुख के कारण आए, उसका पैसा भी ले लिया, शादी भी खराब हो गई, बच्चे भी ले लिए, तो बहुत ज़्यादा वो परेशान था। तो उसको नाम का आश्रय दिया गया, तो नाम से उसका जो परेशान मन था काफ़ी शांत हो गया और उसने नाम निष्ठा अच्छे से पकड़ ली और भगवान से प्रेम भी होने लगा, पूरा उसमें लग गया। तो ऐसे पूरी अगर आप विधि विधान से किसी चीज़ में लगेंगे, अब हमारा मन बिखरा हुआ है तो उससे इतना लाभ नहीं होगा। पर इन्होंने कहा ना नाम तेल धारावत होना चाहिए, काम करते हुए भी नाम ना छूटे, नाम छूटे नहीं, कोशिश करें जितना भी हमसे हो सके। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।